तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आ गए दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़े साइज का इंडिपेंडेंट फ्लोर लेके। साइज बहुत बड़ा दोस्तों, 206 गज। जी हाँ, बहुत बड़े साइज का 206 गज का आपको फ्लोर मिलने वाला है। लोकेशन की बात करूँ, सेक्टर 125 सन इनक्लेव दोस्तों मोहाली का रहने वाला है। बिल्कुल हमारी जो अपकमिंग दोस्तों 200 फुट रोड है उसके साथ लगता हुआ ये एरिया रहने वाला है। और ये देखिए हमारी एंट्रेंस, बहुत हैवी आपको डोर, बहुत आपको वाइड डोर ये मिलता है। और अंदर आप आओगे तो अंदर आपको फीलिंग एक अलग आने वाली है। तो ये देखिए, ये हमारा आ गया ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। तो दोस्तों डबल चार विट्रीफाइड टाइल्स लगेंगे, ये घर आपको सेमी फाइनल मिलने वाला है। इसका जो साइज आने वाला है 24x12 का। देखिए डाउन सीलिंग देखिए दोस्तों, इसमें देखते ही आप रह जाओगे। एक बार इसको विजिट जरूर कर लें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट जरूर प्लान करें। डबल चार विट्रीफाइड सारी टाइल्स लगी हुई हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया आ गया, इसमें आपको ये टीवी पैनल मिल जाएगा। तो अगर आपको कैमरामैन थोड़े से व्यू दिखा दे एक बार फिर से दोबारा पूरे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के। डाउन सीलिंग हैवी डाउन सीलिंग विद LED लाइट्स आपको मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बड़े साइज का आपको ये घर मिल जाता है। और ये बिल्कुल डाइनिंग के साथ हमारा आ जाएगा दोस्तों किचन। और ये हमारी आ गई मॉड्यूलर किचन जो आपको मिलती है एज इट इज। किचन का साइज आने वाला 12x10 का। ये आपकी स्पेस आ जाएगी रेफ्रिजरेटर के लिए। और ये देखिए, ये हमारी दोनों साइड दोस्तों आपको बनी हुई किचन मिलती है। ये आपको अगर देखोगे दोस्तों, ये स्पेस आपको चिमनी की मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। ये देखिए डबल लैमिनेटेड आपको ये किचन मिलने वाली है। यहाँ पर भी सेम पैटर्न वही फॉलो करा गया है। डबल सिंक मिल जाता आपको नॉइस प्रूफ। और ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ। और सेम दोस्तों किचन आपको इस साइड मिल जाती है। और इस किचन के साथ दोस्तों आपको कनेक्टेड मिल जाती है बालकनी। और इस बालकनी का जो साइज रहने वाला है वो है 10x3 का। तो ये था हमारा किचन का व्यू। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में और एक बार इस एंगल से देखिए पूरे लिविंग कम डाइनिंग एरिया का व्यू। और ये देखिए दोस्तों, बहुत हैवी डाउन सीलिंग के साथ मिलता है। और यहां से आ जाएगा हमारा पहला बेडरूम। और इस बेडरूम के अगर मैं साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला है 11x11 का। तो ये देखिए, इसमें आपको वुडन स्टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। ये आपका आ जाएगा टीवी पैनल। और इसमें देखिए दोस्तों डाउन सीलिंग देखिए, बहुत हैवी डाउन सीलिंग एक अलग डिजाइन के साथ मिलती है। इस वॉल पे आपको वॉलपेपर मिल जाएगा। ये घर आपको सेमी फर्निश मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप फुल फर्निश चाहते हैं तो वो भी हम एक बार बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। और इस रूम के साथ भी आपको कनेक्टेड मिल जाती है बालकनी। और ये देखिए, ये फ्रंट में हमें मिल जाती है बालकनी। और अगर मैं इस बालकनी के साइज़ की बात करूँ, 10x4 का इसका साइज़ रहने वाला है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इस पूरे बेडरूम का व्यू। और इस बेडरूम के दोस्तों अगर मैं वार्डरोब की बात करूं, ये हमारा आ जाता है वार्डरोब एरिया। और इसका जो साइज रहने वाला है 6x6 का। तो ये देखिए आपके वार्डरोब, ये आपको अंदर दो लॉकर मिल जाएंगे, नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल आ गया, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी डबल डबल। और ये हमारा आ जाएगा मिरर, इसके देखिए मिरर के पीछे भी आपको स्टोरेज मिलने वाली है। और इसके साथ हमारा कनेक्टेड आ जाएगा वॉशरूम। इस वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है 7x6 का। वॉल हैंग आपकी सीट इंस्टॉल होगी, ऊपर सीलिंग हो रखी है, 4x2 की बड़ी बड़ी टाइल लगी हुई हैं। तो नीचे सारी एंटीस की टाइल आपको मिल जाती है। तो ये दोस्तों, ये इसका अटैच वॉशरूम मिलता है पहले बेडरूम के साथ। तो 206 गज में बना हुआ ये हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोर रहने वाला है। चलिए चलते हैं फिर हमारा सेकंड बेडरूम की तरफ। और यहाँ से हमारा एक्सेस आ जाएगा सेकंड बेडरूम का। और ये देखिए,
अगर मैं इस बेडरूम के साइज़ की बात करूँ, 15x11 इसका साइज़ रहने वाला है, बहुत बड़े साइज़ का दोस्तों मास्टर बेडरूम। देखिए किंग साइज़ बेड लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और वॉलपेपर आपको मिल जाएगा, ये आपके दोस्तों वार्डरोब आ जाएंगे। इसकी देखिए डाउन सीलिंग, हैवी डाउन सीलिंग के साथ आते हैं और इसके साथ ही आपको अटैच मिल जाएगा वॉशरूम। और अगर मैं इस वॉशरूम के साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला है 7x7 का। देखिए बड़े बड़ी 4x2 की टाइल्स लगी हुई हैं, आपकी वॉल एनसीटी इसमें इंस्टॉल होगी, सीलिंग हो चुकी है, सारे दोस्तों शावर मिक्सचर जैसे आप इस घर को फाइनल करते हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आपको हर वॉशरूम में हर बेडरूम के साथ दोस्तों विंडो तो मिलती है वेंटिलेशन के लिए ही। तो ये था हमारा बेडरूम, सेकंड बेडरूम। इसमें आपको पूरे घर में स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग मिल जाती है, आपको दोस्तों टीवी पैनल मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया आपको वेंटिलेटेड घर मिलता है, और ये इसके साथ हमारा आ जाएगा दोस्तों रियर कोर्टयार्ड। तो अगर मैं इस रियर कोर्टयार्ड के साइज़ की बात करूं, 15x4 इसका साइज़ रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए आपको टैप की प्रोविजनिंग मिल जाती है। तो देखिए वेंटिलेटेड घर है, डक्ट एरिया आ जाता है। तो आप भी दोस्तों इस घर को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप हमें कॉल ज़रूर करें। आपको यहाँ पे दोनों आपके वॉशरूम की और दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन भी यहीं से मिलती है। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, आइए चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। और ये दोस्तों आपको इसमें ड्रेसिंग टेबल भी मिलने वाला है। तो देखिए मिरर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, और ये देखिए नीचे स्टोरेज के साथ। और यहाँ से दोस्तों अगेन हमारे ड्राइंग डाइनिंग से आ जाएगा थर्ड बेडरूम। और इस बेडरूम के भी अगर साइज़ की बात करूँ, 15x11 इसका साइज़ रहने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिल जाएगा, पूरे घर में स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग मिल जाती है। और डाउन सीलिंग देखिए इसकी एक बार, बहुत हैवी एलईडी लाइट्स के साथ। और यहाँ पे भी देखिए किंग साइज बेड लगने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। और ये आगे हमारे वार्डरोब, और अभी दोस्तों इनकी एडजस्टमेंट नहीं करी हुई है, ये अभी एडजस्ट होनी है। ये जो आपके वार्डरोब है वो इस कॉर्नर पे एडजस्ट होंगे। और ये देखिए पीछे आपके वॉलपेपर लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसके साथ आपको अटैच अगेन मिल जाएगा वॉशरूम। ये देखिए इस वॉशरूम का साइज भी दोस्तों 7x7 रहने वाला है। आप देखिए 4x2 की बड़ी बड़ी टाइल लग रही है, सीलिंग ऑलरेडी हुई हुई है, विंडो आपको वेंटिलेशन के लिए मिलती है, आपकी वॉल हैंग सीट भी यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है। तो ये था दोस्तों हमारा 3BHK विद अटैच वॉशरूम, इंडिपेंडेंट फ्लोर, 206 गज में बना हुआ। आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर जल्दी से कॉल करें। ये आपका आ गया दोस्तों ड्रेसिंग टेबल, अगेन इसके साथ आपको स्टोरेज मिलती है। तो दोस्तों आपको घर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, कॉल करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अगर आपके कोई रिलेटिव अपना घर ढूंढ रहे हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, सेक्टर 125 सनी निकले मोहाली की रहने वाली है। इसके दोस्तों फ्लोर वाइज प्राइसिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां जाके आप जरूर चेक कर लें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर लें। तो दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। हमारे दोस्तों सारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टा पेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलते हैं, वहाँ जाके हमें ज़रूर फॉलो कर लें। और हमारा दोस्तों रेरा नंबर भी आपको वही मिल जाता है, हम रेरा रजिस्टर्ड है, तो इसलिए हमेशा रेरा रजिस्टर्ड वालों से ही डील करें। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।